बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने पद्यांश भाग के रैदास जो कविता थी, रैदास की उन पदों का अध्ययन करते हुए उसके प्रश्न उत्तर जो है हमने पूर्ण कर लिए। अब आगे जो है स्पर्श की बुक का ही गद्यांश भाग का पहला पाठ, जिसका शीर्षक दिया गया है धूल, इसके विषय में, इसके लेखक के विषय में पूरा परिचय प्राप्त करेंगे और परिचय के पश्चात ही हम अगले पाठ का अध्ययन अध्यापन करते हुए उसके प्रश्न उत्तर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले धूल, जैसा कि बेटा आपके इसके शीर्षक से भी हमें पता चलता है कि धूल मिट्टी है ना, इस गर्द को इतना क्या विशेष, लेखक को इतना इस विषय में इतना क्या विशेष लगा कि इन्होंने इसी के ऊपर एक अच्छा सा निबंध तैयार कर दिया। वैसे तो ये माना जाता है कि हिंदी साहित्य के जितने भी लेखक या कवि थे, उन्होंने पुष्प की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, ईश्वर की महिमा आदि के ऊपर अपनी अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन धूल जैसे सामान्य विषय पर लेखनी चलाना ये अपने आप में एक विशेष ही महत्व की बात है और सबसे आश्चर्य की भी बात है। कारण क्योंकि ये धूल, जो धूल नाम से ही कहा जाता है कि लो जो अपना दुश्मन है उसे मैं धूल में मिला दूंगा, उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उसको मैं गर्द में मिला दूंगा, तो ये क्या है, ये मुहावरे हमने हमारे स्थानीय बोली और भाषाओं में शामिल किया है जो इस धूल विषय को बहुत ही निरर्थक साबित करता है। लेकिन लेखक, इनके लेखक है रामविलास शर्मा, इन्होंने ये माना है कि धूल जो है अपने आप में सामान्य विषय नहीं है, इस धूल का बहुत महत्व है और इसी के महात्म्य को सीते के पाठ के परिचय में हम पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है लेखक की, लेखक है रामविलास शर्मा। बेटा कक्षा 8 तक आपने जो अध्ययन किया उसमें लेखक के परिचय से संबंधित कुछ एक बिंदुओं का ही अध्ययन करते थे, उसे हम स्मरण रखते थे, लेकिन अब जो है इस लेखक परिचय को बिल्कुल अच्छी तरीके से न केवल हमें पढ़ना है बल्कि याद भी रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जीवन परिचय की। इनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912, कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई इनके ही गांव में, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ये कहां गए, उच्च शिक्षा हुई इनकी लखनऊ से, उच्च शिक्षा लखनऊ से करी। लखनऊ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त की। अंग्रेजी में एमए करने के बाद ये अपने अध्ययन अध्यापन कार्य में लग चुके थे और एक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो चुके थे। प्राध्यापक के पद पर रहते हुए ही इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल करी। ये सारी बातें बेटा हमें ध्यान रखनी है, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को इस सारी चीजों को दर्शाया जा रहा है। पीएचडी करने के पश्चात इन्होंने प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने जीवन को जो है आगे की ओर बढ़ाया, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में इनकी मृत्यु के विषय में जानकारी नहीं दी गई है, तो ये जानकारी भी हमें प्राप्त होनी आवश्यक है। 30 मई सन 2000 को इनकी मृत्यु हो गई। तो कौन कौन से मुख्य बिंदु यहाँ पर उजागर किए गए, रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ गए। लखनऊ में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए इन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल करी। एमए करने के पश्चात इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की और पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुए इन्होंने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाया। 30 मई 2000 को इस साहित्य शास्त्री ने इस संसार योग से विदा ले ली, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर आती है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं क्या है, तो सबसे पहले बात आती है कि इन्होंने कई महान साहित्यकारों की रचनाओं पर आलोचनाएं लिखी हैं। तो ये बहुत बड़े आलोचक थे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध भी लिखे हैं, यानी एक निबंधकार भी थे। इन्होंने कई कविताएं और नाटक भी लिखे हैं, उन पे भी अपनी लेखनी चलाई है। तो इन चारों साहित्यिक विधाओं के ये बहुत अच्छे साहित्यकार थे। एक आलोचक थे, निबंधकार थे, कविताएं भी लिखने वाले कवि थे और एक नाटककार के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई थी। मुख्य रूप से आप अपनी पाठ्यपुस्तक में अध्ययन करोगे तो प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु एवं उनका युग,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, इसी तरह से निराला और उसकी जीवनी, अलग अलग साहित्यकारों के जीवन से संबंधित मुख्य मुख्य बातों को इन्होंने पढ़ा, समझा और उसके ऊपर अपनी अपनी रचनाओं को प्रेषित किया। ये अपने जीवन में महात्मा बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और इनके कई ऐसे विचार भी हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि वास्तव में ये इन राजनीतिक शास्त्रियों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे थे। अब आती है इनकी भाषा। जब आप निबंध को पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह मुहावरे प्रयुक्त किए गए हैं, कई जगह लोकोक्तियों का प्रयोग है, कई जगह पर ऐसे ऐसे शब्द हैं जो स्थानीय भाषा के शब्द हैं, यानी इन्होंने स्थानीय भाषा के शब्दों को भी अपनाया है। कुल मिलाकर खड़ी बोली हिंदी जो है वो इनकी मुख्य भाषा रही है। खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने अपना साहित्यिक कार्य किया है। फिर आता है सम्मान। एक साहित्यकार के रूप में इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, तो सबसे पहले आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये लिटरेचर का बहुत बड़ा पुरस्कार है, हिंदी लिटरेचर का साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर आता है व्यास सम्मान। ये विशेष व्यक्तियों के नाम पर दिए गए हैं और एक दिया गया है शलाका सम्मान। इन सारे सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया। तो बेटा ये तो आता है लेखक का परिचय। दोबारा से दोहरान करते हैं, इनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1912 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ गए। इन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल करी, पीएचडी भी की और पीएचडी करने के पश्चात ये एज ए प्रोफेसर एक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और जीवन की अवधि का अंत 30 मई 2000 को हो गया। इनकी मुख्य रूप से कौन से रचनाएं हैं, तो ये एक आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, कवि के रूप में और नाटककार के रूप में कई रचनाओं को लिखे थे। भाषाएं हैं तो इनकी भाषा थी शुद्ध खड़ी बोली हिंदी। इसी हिंदी में इन्होंने मुहावरों का, लोकोक्तियों का और स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग किया है। आता है सम्मान, तो साहित्यकार के रूप में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। अब बात आती है हमारे मुख्य विषय की, पाठ का शीर्षक ध्रुल। ध्रुल पाठ का यहाँ पर प्रदर्शित करने का या यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? वर्तमान में नव पीढ़ी की जो मनोवृत्ति है, हम उस मनोवृत्ति से पूर्णतया परिचित हैं। जिस देश में पले बढ़े, जिस देश में जन्मे, जिस देश में शिक्षा ग्रहण करी, जिस देश ने हमें पूर्ण रूप से हम समर्थ बनाया, उस देश में ही जब हम अपनी सेवाएं दें तो ये एक देशभक्ति की पहचान है। लेकिन आज के समय की मनोवृत्ति क्या है कि लोग खूब अच्छा सा वेतन प्राप्त करने के लिए और उसी वेतन के द्वारा अपने जीवन को बहुत ज्यादा भौतिकतापूर्ण बनाने के लिए अपने देश को त्याग कर विदेशों की ओर गमन करते हैं। जिस देश की मिट्टी के कण कण ने आपके शरीर के अंदर रक्त के कण कण को परिवर्तित किया, आप उसे त्याग कर किसी और स्थान पर जा करके वहां अपनी सेवाओं दो, तो ये एक देशभक्त होने का परिचय नहीं है। तो ध्रुल किस तरह से आपकी देशभक्ति से आपको जोड़ता है, वही बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट दिया ध्रुल की महिमा। ध्रुल की महिमा क्या है, जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से आप अपने पाठ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले गद्यांश में, पैराग्राफ में पंक्ति दी गई है, धूली भरे हीरे कहलाए। आपको पता है कि हमारी हिंदू संस्कृति में मान्यता है कि श्री कृष्ण जो है वो धूल से भरे हुए जीव थे और उनकी माता ने जब उनको देखा तो उन्होंने उनके मुंह को खुलवाकर उनको कहा कि क्या आपने मिट्टी खाई है, और जब उनके मुख को खुलवाया गया तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। तो वो धूल से भरे हुए कौन थे, श्री कृष्ण थे, जो हीरे के समान इस पूरी भारतीय संस्कृति को जागरूक बनाने के लिए आए थे। तो सबसे पहले धूल की महिमा इस छोटे से वक्तव्य से स्पष्ट होती है कि धूल से भरे हुए ही हीरे कहलाते हैं। अब हीरा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत एक विचार आता है कि हीरा क्या है। हीरा जिसे अच्छे से कुरेद करके, चमका करके, रगड़ करके तैयार किया जाता है और जो बहुत कीमती होता है, जिसका मूल्य लाखों करोड़ों में आंका जाता है, हीरा वही है। लेकिन असल में वास्तविक जीवन में हीरा कौन है, हीरा वह है जो अपने द्वारा संचित किए गए सामर्थ्य और पुरुषार्थ से अपने देश की सेवा
करता हो। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि धूल क्या है। धूल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और धूल जो है वो न केवल हमारे शरीर के कण कण को पोषित करती है, बल्कि इसी धूल में जन्मे, इसी धूल में पोषित हुए और इसी धूल के माध्यम से हम जो है सामर्थ्यवान बनते हैं। तो इस धूल को हम नकार नहीं सकते, इसके महत्व को हम इनकार नहीं कर सकते। फिर बताया है प्रसाधन सामग्री की निरर्थकता। प्रसाधन सामग्री की निरर्थकता, ये माना जाता है कि आजकल जो है सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रसाधन सामग्री काम में ली जाती है और इस प्रसाधन सामग्री के माध्यम से वो अपने सौंदर्य को निखार करके अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जो चीज प्राकृतिक है और नैसर्गिक है उसकी जो सुंदरता है उसके सामने तो ये प्रसाधन सामग्री भी किसी तरह का कोई मूल्य नहीं रखती है। तो इस प्रसाधन सामग्री के जो महत्व है उसको यहाँ पे नकार दिया गया है कि धूल जो है वो एक नैसर्गिक तत्व है जो आपके सुंदरता को भी निखारने का एक कारण बनता है। फिर दिया गया है इसमें भेद बुद्धि का परिचय। जब आप आगे की तरफ इस पाठ को पढ़ेंगे, भेद बुद्धि का परिचय उसमें दिया गया है, एक पंक्ति दी गई है बेटा कि धन्य धन्य वे है नर मेले जो करत गात कनिया लगाई धूरी ऐसी लड़िकान की। पंक्ति को पढ़ेंगे, जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो अपने पाठ्य पुस्तक को अपने समीप रखिए और जहाँ पाठ शुरू होता है उसी पाठ की शुरुआत वाले पेज पे सबसे अंतिम पैराग्राफ में एक पंक्ति दी गई है, धन्य धन्य वे है नर मेले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसी लड़िकान की। लेखक ने माना है कि एक तरह तो हम ऐसे व्यक्तियों को धन्य मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं, किन व्यक्तियों को, जो दूसरों के संपर्क में आकर के दूसरों के सानिध्य में रह करके अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि मैले, मैले शब्द से यहाँ पता चलता है कि वहां हीन भावना आ गई है। यानी ऐसे व्यक्तियों को एक तरफ तो आप सौभाग्यशाली कहते हो जो दूसरे मिट्टी के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले हैं और उनके संपर्क में आते हैं तो मैले हो जाते हैं। तो यहाँ भेद आ गया, एक तरफ तो आप उसे उच्च दर्जा देते हो और दूसरी तरफ आप उसी को हीन बता देते हो। यहाँ लेखक ने लोगों की भेद बुद्धि का परिचय भी दिया है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे अखाड़े की मिट्टी की विशेषता। अखाड़े की मिट्टी की विशेषता, यहाँ पे लेखक ने स्वीकार किया है कि वो खुद अपनी रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में पहलवान थे और पहलवानी का शौक रखा करते थे। तो उन्होंने कहा कि आज की ये जो भौतिक संस्कृति में जीवन जीने वाली जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी जो है मिट्टी के संसर्ग से दूर रहना चाहती है। जब भी कोई बच्चा खेलने जाता है तो तुरंत उसकी माँ उसे टोक देती है, ना मिट्टी में मतो, ना अगर मिट्टी में भर कर आया तो आपकी पिटाई हो जाएगी। मिट्टी से दूर रहना, मिट्टी में मत खेलना, तो मिट्टी से दूर रखना उचित उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अखाड़ा जो आप जानते हो जिसमें बहुत बड़े बड़े पहलवान कुश्ती किया करते हैं, अखाड़े की मिट्टी का भी विशेष महत्व है। आपके अभ्यास प्रश्नों में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। इसमें बताया गया है कि ये जो मिट्टी है ये तेल और मट्ठे से सींची जाती है। मट्ठी, मठा, गाढ़ा, दही या छाछ, तेल और मट्ठे से सींची गई ये जो मिट्टी है, इसमें जब एक पहलवान कुश्ती करता है तो ये जो मिट्टी है ये पहलवान की एक एक मांसपेशियों को बलिष्ठता प्रदान करती है और वो पहलवान उस अखाड़े की मिट्टी के स्पर्श को जब प्राप्त करता है तो वो एक स्पर्श दैवीय लगता है, ऐसा सुख जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता। उस मिट्टी में जब निश्चिंत होकर वो लेटता है तो अपने आप को विश्व विजयी अनुभव करता है। तो अखाड़ा जो है जिसके अंदर मिट्टी है, उस मिट्टी के विशेषता है कि वो तेल और मट्ठे से सींची गई है, उसके संसर्ग को, उसके संपर्क को प्राप्त करके जो पहलवान है उसके शरीर की एक एक मांसपेशियां जो है मजबूती प्राप्त करती हैं और इसके आधार पर वो पहलवान अपने आप को विश्व विजेता मानने लगता है। अब बात आती है अखाड़े की मिट्टी के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि मिट्टी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, मिट्टी के महत्व को हम नकार नहीं सकते। आगे आता है तो लेखक ने ये माना है कि मिट्टी जो है उसी से हमारा शरीर बना है। कैसे? शरीर पंच तत्वों से बना है,
पंच तत्व कौन से? इसमें धूल, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये पांच तत्व शामिल है। ये धूल यानी मिट्टी, यानी आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और मिट्टी, इन पंच तत्वों से एक शरीर निर्मित होता है। और जब मृत्यु होती है तो इसी शरीर को चाहे दफना दिया जाए या चाहे जला दिया जाए, वापस से इन पंच तत्वों में वो विलीन हो जाता है। यानी यहाँ बताया लेखक ने संसार की असारता, संसार हमारे लिए असार है। असार होने के साथ साथ हम इस संसार को यूं ही त्याग भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपका जीवन है इसी संसार में जो मिट्टी है उसी मिट्टी में उपजाई गई फसलों से आपका भोजन मिलता है, इसी मिट्टी या इसी धरती पर बहने वाली नदियों के जल से आपका जो रक्त का एक एक कण है वो पोषण प्राप्त करता है, क्योंकि उसी जल को हम पीते हैं। और ये जो हरियाली है ये हरियाली भी इस मिट्टी में ही उगती है और ये हरियाली हमें प्राण वायु प्रदान करती है। तो ये जो संसार की असारता है वो तब तक है जब व्यक्ति के जीवन का त्याग हो जाए, लेकिन जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक इस संसार में जो ये मिट्टी है यह तत्व हमारे लिए बेश कीमती है, बहुत उपयोगी है। अब इसी को उन्होंने कहा ग्रामीण परिवेश में। ग्रामीण परिवेश में धूल क्या है? ग्रामीण परिवेश में धूल है जिसे गोधूलि कहा गया है। अब गोधूलि क्या होती है बेटा? यहाँ पर दिया गया है ग्रामीण परिवेश में धूल। धूल क्या है? धूल जो गांव का वातावरण है उसमें ग्वाले रहते और वो ग्वाले जो है गायों को चराने के लिए ले जाते। संध्या समय जब वो ग्वाले अपनी गायों के समूह को वापस अपने घरों तक ले जाते तो उन गायों के पैरों से जो मिट्टी वातावरण में छा जाती वही कहलाती है गोधूलि। आपने कई कवियों की रचनाओं में या हिंदी की कई पुस्तकों में पढ़ा होगा गोधूलि वेला, यानी ऐसा समय जो ना तो पूरा दिन है ना पूरी रात, बीच संध्या का समय होता है जिस समय में जो ग्वाले हैं वो गायों के समूह को अपने अपने घरों की ओर ले जाते हैं और गायों के पैरों से उड़ने वाली जो धूल है वो वातावरण में छा जाती है, उसी को संज्ञा दी गई गोधूलि। गांवों में उस समय को बहुत महत्व दिया गया, बहुत सम्माननीय माना गया, क्योंकि गोधूलि जो है वो ग्रामीण परिवेश में ही दिखाई देती है, शहरी वातावरण में दिखाई नहीं देती। कई जो निमंत्रण पत्र होते हैं या जो इनविटेशन कार्ड होते हैं उसमें दिया जाता है कि गोधूलि वेला के समय जो है फेरे करवाए जाएंगे या आप सभी उसी समय आमंत्रित हैं। तो गोधूलि वेला के दर्शन हमें सिर्फ ग्रामीण परिवेश में ही मिल सकते हैं, क्योंकि शहरों में क्या है तो यहाँ पर आ जाता है शहरी वातावरण में गोधूलि नहीं, क्योंकि शहरी वातावरण में क्या है खूब सारी गाड़ियां, खूब सारी भीड़, जिसकी वजह से जो मिट्टी का एक गुब्बार वातावरण में छाया रहता है जिसे हम गोधूलि नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो क्या है एक पॉल्यूशन का स्वरूप है, प्रदूषण है, उस प्रदूषण को आप गोधूलि नहीं कह सकते। अब दोनों में तुलना करते हैं, शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो गांवों में जो अलग अलग पूरे वातावरण में हरियाली छाई हुई है उस हरियाली में तालाब में जब सूर्य के डूबते हुए दर्शन किए जाते हैं तो ऐसा लगता है सूर्य की सुनहरी किरणें चारों तरफ वातावरण को भी सुनहरा रूप दे देती है। लेकिन जब शहरी वातावरण में ऐसा समय आता है तो चारों तरफ वातावरण में सिर्फ धुएं का एक गुब्बार छाया नजर आता है, वहां गोधूलि दिखाई नहीं देती। गोधूलि गांवों में तो वह समय है जब रात के समय चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ वातावरण में फैली होती है और जब गाड़ीवान जो है गाड़ी चलाने वाले जो है बैलगाड़ी चलाने वाले जो है जब उस गाड़ियों को ले जाते हैं तो एक गर्द जो है पूरे वातावरण में छाती है, वो गर्द ऐसी सुंदर लगती है मानो रुई के बादल छा गए हैं। लेकिन ऐसा शहरी वातावरण में दिखाई नहीं देता, क्योंकि शहरी वातावरण में बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी आदि का तो कोई काम है ही नहीं, सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं और जब उससे निकलने वाला धुआं वातावरण में छाता है तो वो बहुत दम घोटू होता है, वो हमारे सांस में भी तकलीफ पैदा करता है।
तो इन दोनों परिवेशों में गोधूलि का अलग अलग महत्व दिया गया है। अब इसमें आगे लेखक ने, जब आप पाठ को आगे की तरफ पढ़ने लगेंगे तो लेखक ने बताया है कि इसी गोधूलि के कई शब्द हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। गोधूलि के कैसे, सबसे पहले यहाँ आता है धूल। धूल इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है धूल यानी मिट्टी। अब धूल और मिट्टी में भी अंतर है, क्या है कि मिट्टी जो अलग अलग काली भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, काली मिट्टी भी होती है, बालू मिट्टी भी होती है, इन मिट्टियों की जो शोभा है वो धूल से है। यानी जब भी आसमान में हल्की हल्की गर्द छाई रहती है उसे हम धूल की संज्ञा देते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि चारों तरफ मिट्टी छा गई है, क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत है उस मिट्टी की सुंदरता को बढ़ाती है, वही ऊपरी परत क्या कहलाती है, धूल कहलाती है। आपके अभ्यास प्रश्न में दिया गया है कि मिट्टी और धूल में क्या अंतर है, मिट्टी की शोभा का नाम ही धूल है, आप धूल के द्वारा उस मिट्टी की पहचान कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न में प्रश्न दिया गया है जिसका यही उत्तर है कि मिट्टी की शोभा का नाम धूल है, आप धूल के माध्यम से उस मिट्टी की भी पहचान कर सकते हैं। तो एक निष्कर्ष तौर पर यदि कहा जाए तो कि लेखक ने इस धूल के विषय को हमारे सामने इस तरह से उद्घाटित किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, इसके पीछे उद्देश्य ये रहा है कि वर्तमान में ये जो संस्कृति है ये इस मिट्टी से दूर रहना चाहती है। ये लोग ऐसा चाहते हैं कि मिट्टी में खेलना, आज के खेल पुराने जमाने में खेल खेला जाए, खेल खेले जाते थे, जो भी खेल थे वो उन बच्चों का मिट्टी से जुड़ाव बताते थे। आज के समय में ऐसे कोई खेल नहीं है जो बच्चों का मिट्टी से जुड़ाव रखे, और मिट्टी से जुड़ाव तो यहाँ पर भी खत्म हो जाता है कि उन बच्चों को पहले से ही निर्देश दे दिए जाते हैं कि आप मिट्टी के संपर्क में मत आना, मिट्टी से दूर रहना, मिट्टी आपके शरीर को स्पर्श न करे। इन सारी बातों से ये अभिलक्षित होता है कि वास्तव में मिट्टी को हमने किसी तरह का कोई विशेष महत्व तो नहीं दिया आज के समय में, लेकिन धूल ने अपना हमेशा जो विशेष महत्व तो है वो बनाए रखा है। लेखक रामविलास शर्मा ने ये बताया कि वास्तव में धूल जो है वो हमारी देशभक्ति का परिचय भी देता है। धूल विषय हमारी देशभक्ति का परिचय भी देता है। पाठ के अंतिम गद्यांश में लेखक ने माना कि यदि आप अपने देश की मिट्टी को सिर से न लगाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप धूल से दूर रहना चाहते हो, लेकिन कम से कम इस पर पैर तो रखें, यानी जिस देश में आप जन्मे हो उसी देश में रह करके आप अपनी सेवाओं के द्वारा देश को लाभ दो। इसमें दिया गया है कि मिट्टी क्या है, कई बार हम एक लोकोक्ति या मुहावरा बोलते हैं, क्या नीच तो धूल बराबर, कि जो नीच व्यक्ति होता है वो हमारे लिए मिट्टी के सदृश है, हम उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहते, हम उससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हर समय नीच जो है, धूल जो है नीच के साथ तुलना करने योग्य विषय नहीं है, क्योंकि धूल एक ऐसा विषय है जिस धूल को हम एक तिलक के रूप में मस्तक पर भी धारण करते हैं, जिस धूल या जिस मिट्टी के लिए एक सैनिक जो है वो हंसते हंसते बलिदान हो जाना चाहता है। जब कोई प्रवासी जो बहुत दिनों से अपने देश से दूर रहता है, वह व्यक्ति जब स्वदेश लौटता है तो अपनी धरती की मिट्टी को अपनी माँ के समान पावन मानकर उसे स्पर्श करता है, उसे चूमता है, उसे छूता है, तो ये मिट्टी जो है यह हमें लगाव बनाए रखने की सीख देती है। इससे हम विलग बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो अंतिम गद्यांश में लेखक ने ये माना कि मिट्टी जो है वो वास्तव में आपकी देशभक्ति का परिचय भी देती है। देशभक्ति कैसे, तो उसमें एक पंक्ति दी गई है कि हीरा वही जो घन चोट न टूटे। उन्होंने लिखा हीरा वही जो घन चोट न टूटे, यानी असली हीरा कौन है, असली हीरा कौन है, हीरा असलियत में वही है जो घन यानी हथौड़े की चोट यानी प्रहार से भी टूटता नहीं है, यानी वो इतना
मजबूत है, उसने अपने आप को इस तरह से बलिष्ठ बना रखा है कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हथौड़े के प्रहार स्वरूप उस पर क्यों ना आ जाए, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। तो यहाँ लेखक ने ये माना कि वास्तव में धूल जो है वो व्यक्ति की देशभक्ति का भी सूचक है। उसने स्पष्ट शब्दों में वहां पर लिखा है कि यदि आप अपने देश में देश की मिट्टी को अपने मस्तक से, अपने ललाट से, अपने ढाल से स्पर्श न कराएं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस पर पैर तो रखें, यहाँ टिके तो रहें। आपने जिस धरती से धरती पर जन्म लिया, जिस धरती से अपने पूरे शरीर को पोषित बनाया, संवर्धित बनाया और पूर्ण जवानी या यौवन अवस्था प्राप्त करने के पश्चात जब इस धरती ने ही आपको सामर्थ्यवान बनाया, तो आप जो है अलग अलग लोभ और लालचवश किसी और स्थान पर जा करके आप अपनी सेवाएं देते हैं, यह आपकी देशभक्ति का परिचय नहीं है। क्योंकि एक सैनिक भी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए सहर्ष शत्रु के साथ युद्ध लड़ता है और अपने जीवन का बलिदान भी कर देता है। तो एक सामान्य नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि जिस धरती पर उसने जन्म लिया है, उस धरती की धूल से, उस धरती की मिट्टी से उसका आंतरिक जुड़ाव होना जरूरी है, ताकि वो इस धरती पर रहकर ही अपनी सामर्थ्यवान होने का एक सबूत जो है वो इस देश को दे सके, ताकि आप उस देश की सेवा करते हुए उस देश को लाभान्वित कर सके। तो अंत में उस लेखक ने यहाँ एक पंक्ति दी कि हीरा वही जो घन चोट न टूटे, अर्थात वास्तव में हीरा यानी सबसे ज्यादा मजबूत जो और बेश कीमती जो तत्व है वो हीरा है। तो हीरा वही व्यक्ति माना जाता है जो घन चोट यानी हथौड़ों के प्रहार स्वरूप भी नहीं टूटता है। अब यहाँ असलियत में हीरा कौन है? वे देशभक्त जो घन यानी विषम परिस्थितियां, हथौड़ा यानी विषम परिस्थितियां, जो बुरी से बुरी स्थिति में भी चोट न टूटे, कभी भी अपने जो जो बल है, मानसिक बल है, उसे तोड़ने नहीं देता है, बल्कि हर परिस्थिति का वो सामना करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रामलीला शर्मा, रामलीला शर्मा जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जन्मे थे और जन्म था उनका 10 अक्टूबर 1912 को। लेकिन उस व्यक्ति ने उस गांव के गांव में रहते ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ के प्रस्थान किया। लखनऊ में जब उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की तो सबसे पहले अंग्रेजी में एमए किया और उसके बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी और एज ए प्रोफेसर या प्राध्यापक के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने जो लेखन कार्य किया और लोगों को अपनी सेवाओं से लाभान्वित किया। और उनकी मृत्यु के विषय में हमारी पाठ्यपुस्तक में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो उसके लिए आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि 30 मई 2000 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो निबंध कला है, जो हमारे पाठ्यपुस्तक में निबंध शामिल किया गया है धूल, उसकी भाषा है शुद्ध खड़ी बोली हिंदी, जिसमें उन्होंने मुहावरों, लोकोक्तियों, स्थानीय भाषा के शब्दों को भी शामिल किया है। उन्होंने कई रचनाएं लिखी, इन रचनाओं में वो एक आलोचक के रूप में, वो एक निबंधकार के रूप में, वो एक कवि के रूप में और नाटककार के रूप में हमारे सामने अभिव्यक्ति प्राप्त कर पाए हैं। उनको उनके साहित्यिक कार्य के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में सबसे पहला आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और शलाकार पुरस्कार। इन पुरस्कारों से सम्मानित रामलीला शर्मा ने जितने भी निबंध लिखे, उन्हीं में से एक निबंध है धूल, जिसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। धूल वैसे देखा जाए तो वास्तव में एक सामान्य विषय है, जिस पर किसी भी कवि या लेखक ने इतनी लेखन कार्य नहीं किया है, इतनी सुदृढ़ता से और इतनी सुंदरता से लेखन कार्य नहीं किया है जितना रामलीला शर्मा जी ने किया है। रामलीला शर्मा जी ने इस धूल विषय को सामान्य नहीं माना है, वो ये मानते हैं कि धूल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह पंच तत्वों का एक तत्व गिना जाता है, जिसमें जल, अग्नि, आकाश, वायु और मिट्टी, यानी ये पांचों तत्व शामिल हैं। यह शरीर जो है इन्हीं पंच तत्वों से मिला है, तो आप जब इसी धूल से निर्मित होते हो और मृत्यु के पश्चात जब इसी धूल में वापस मिल जाते हो, तो इस महत्वपूर्ण विषय से विलग तो आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपके इस पूरे पाठ को आपके सामने उजागर कर दिया है, और जब आप इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए पेजों को दोबारा से पढ़ेंगे
तो पढ़ने के साथ साथ आपको ये सारी बातें वहां स्पष्ट होती चली जाएगी कि पहले पैराग्राफ में, पहले गद्यांश में दिया गया है दूरी भरे हीरे कहलाए। यानी वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि जब एक बालक मिट्टी के संपर्क में आता है और उस मिट्टी से भरा हुआ, उसी से सरोबार हुआ हुआ जब वो खेलता है तो वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इसके लिए लेखक ने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया है कि दूरी भरे हमारे लिए दूर से भरे हुए व्यक्ति ही हीरे के समान माने जाते हैं। लेकिन हीरा, हीरा जब सा नाम आता है तो इस नाम को सुनते ही सभी व्यक्ति ये सोचने लगते हैं कि हीरा क्या है, कि हीरे जिसे बहुत तराशा गया है, बहुत खुरदा गया है, बहुत चमकदार बनाया गया है, जो बेशकीमती होता है। लेकिन हमारे लिए तो दूरी भरी हीरे कहलाते हैं। और ऐसे बालक के सुंदरता के आगे जो अलग अलग प्रसाधन सामग्री है उससे सजाए गए जो बच्चे हैं उनकी सुंदरता का कोई विशेष मोल नहीं है। उन्होंने इन सारी प्रसाधन सामग्रियों को निरर्थक साबित कर दिया। उन्होंने आगे वाले पॉइंट्स में, आगे वाले मुख्य बिंदुओं में इस बात को भी उजागर किया कि वास्तव में यहाँ दिया गया है भेद बुद्धि का परिचय। उन्होंने ये माना, पंक्ति दी गई है बेटा पहले पृष्ठ पे ही, अंतिम पैराग्राफ में पाठ में पंक्ति दी गई है कि धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कन्या लगाए झूरी ऐसे लरिकान की। ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली माने जाते हैं जो मैले तो हो जाते हैं लेकिन करत गात कन्या लगाए, शरीर का स्पर्श कराते हैं, एक एक कणों को अपने शरीर से लगा लेते हैं धूरी मिट्टी के लरिकान की, लड़कों की। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो धूल से भरे हुए उन बच्चों को गोद में उठा करके उनकी मिट्टी को वो अपने शरीर से भी स्पर्श करा लेते हैं, लेकिन वो सौभाग्यशाली तो हैं लेकिन मैले माने जाते हैं। तो एक तरफ तो सौभाग्यशाली कह रहा है, दूसरी तरफ मैला कह रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं उसका बुद्धि में भेद उपजता है। और यही बुद्धि में भेद जो है वो उस व्यक्ति को जो है थोड़ा संदेहास्पद स्थिति में भी पहुंचा देता है। फिर उन्होंने अगले वाले गद्यांश में बताया कि वास्तव में मिट्टी जो है बहुत अच्छा तत्व है जो हमारे शरीर को परिपोषित करती है। क्या कि अखाड़े की मिट्टी जो है तेल और मट्ठे से सींची हुई होती है जिसका स्पर्श पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। वहां एक पहलवान जो है वो कुश्ती लड़ता है, उसी मिट्टी का स्पर्श पाकर उसकी मांसपेशियां जो है बलिष्ठ बनती हैं और उसी बलिष्ठता के माध्यम से वो अपने आप को विश्व विजयी घोषित भी कर सकता है। यद्यपि ये संसार असार है क्योंकि यहाँ मृत्यु के पश्चात सारा मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन फिर भी मिट्टी को हम कम नहीं आंक सकते क्योंकि इसी मिट्टी में फसलें उगती है, इसी मिट्टी में नदियां बहती है और इसी मिट्टी में उगने वाली हरियाली से प्राणवायु हमें प्राप्त होती है। वो ये भी मानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में मिट्टी जो है गोधूली के रूप में जानी जाती है, यानी ऐसा समय जब ग्वाले जो है वो अपनी गायों के समूह को घरों की ओर ले जाते हैं और गायों के पैरों से उगने वाली जो मिट्टी है उसी को ही गोधूली कहा जाता है, जिसका दर्शन शहरों में नहीं हो सकता क्योंकि शहरी वातावरण में धूल तो दूर, धुएं का ही गुब्बार छाया रहता है। फिर आता है मिट्टी और धूल में अंतर। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी की शोभा का नाम है धूल। धूल के रंग से आप मिट्टी की पहचान कर सकते हैं और वास्तव में मिट्टी देशभक्ति का भी परिचय देती है। उसमें अंतिम गद्यांश में लिख ने कहा है कि अपनी इस मिट्टी को आप अपने सर से न लगाएं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस पर पैर तो रखें, यानी इसके संपर्क में तो रहें। अपने देश को छोड़ करके जाना, अपनी मातृभूमि का त्याग कर देना, उस मिट्टी से विलग हो जाना, ये एक देशभक्त होने का परिचय नहीं है। तो इन सारे मुख्य बिंदुओं के आधार पर आपके पाठ का परिचय आपके सामने स्पष्ट होता है कि वास्तव में धूल जो है वो उसकी बहुत महिमा है और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। न केवल हमारे शरीर को पोषित करती है बल्कि हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को भी सुदृढ़ बनाती है। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में आज के लिए आपके लिए इतना ही। आगे आने वाली कक्षा में हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जहां कोई बात समझ में ना आए तो बेटा आप जरूर मुझसे पूछें और इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है वो आपके नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। आप तुरंत उससे संबंधित कार्य पूर्ण करके मेरे ही जो पर्सनल नंबर है वहां प्रेषित करें। घर पर रहें, ऑनलाइन कक्षाओं को लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।